ताकि जो भी गलती होगी वो उसको आगे सुधार सकें, आने वाले समय में आपको और बेहतरीन डिजाइन देख सकें हम। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस चार दोस्तों पार्ट फोर देख पा रहे हैं। पार्ट वन में मैंने माइक के बारे में बताया था, पार्ट टू में इसमें डिजाइंस, पार्ट थ्री में ये आगे डिजाइंस, और ये पार्ट फोर में आगे डिजाइंस मिलेंगी। इसमें अलग आपको डिजाइंस बनाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों। यदि पार्ट वन टू थ्री आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखा तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे हम चार पाई पे। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, नौकरियाँ खाट है और इसमें बहुत ही आसानी से आप डिजाइंस बना पाएंगे। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, नौ दबाकर ये 15 रस्सी आप उठाएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे, देखो पहली रस्सी डाल दी थी, अब दूसरी रस्सी मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे नौ दबाकर और ये नौ रस्सी आप उठा दीजिए दोस्तों। फिर आगे आपको नौ दबानी है और नौ रस्सी उठा देनी है। अब यहाँ पे नौ दबाकर आपको ये छः रस्सी उठा लेनी है, और फिर नौ दबाकर आपको ये नौ रस्सी उठा लेनी है, फिर नौ दबाकर आपको ये दोस्तों नौ रस्सी आपको उठा लेनी है। देखो रस्सी अवश्य आप गिनती रहिए ताकि कोई गलती ना हो। और ये नौ दबाकर ये 15 उठाइए और फिर यहाँ पर ये नौ दबाइए दोस्तों। ये हमारी नौकरियाँ खाट है, बहुत ही आसानी से ये सिंपल से आपको डिजाइन बनाना होगा दोस्तों। और ये पिंडी भी उठाकर इसमें हम डाल देंगे इस प्रकार से। रस्सी को स्क्रॉल ज़रूर कर दीजिए आप, ताकि सभी रस्सी हमारी बराबर हो जाएं। और ये तीन रस्सी आपको सेम डालना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये भी देखो इधर भी आप थोड़ा बराबर करिए इसको, तो इसको इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से बराबर रखना है। और ये तीसरी रस्सी भी आपको सेम डालना है, ये चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इसमें तीन रस्सी आपको सेम ही डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे डाल दीजिए, आप लहर की बनाना चाहते हैं तो लहर की बना लीजिए, यदि फूलों की आपको बनाना है तो फूलों की बना लीजिए, सिंपल आपको बनानी है तो सिंपल। इसमें सन लिखना है तो सन लिख सकते हैं, नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं। वो सभी पर्टिकुलर्स मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, तो वो आप जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। नौकरियाँ खाट वैसे मैंने बहुत सी डिजाइंस की बताई हैं दोस्तों, और भी मैंने बताई हैं, तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ से विजिट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों किस प्रकार से खटिया बनती है। तो इसको स्क्रॉल कर देते हैं हम बराबर, और यहाँ से ये पिंडी आप डाल दीजिए इस प्रकार से। ये आपको ध्यान रखेंगे सबसे पहले काम। अब दोस्तों देखिए तीन रस्सी हमारी कंप्लीट हो गई, अब आपको सीक्वेंस चेंज कर देना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए ये सिर्फ नौ दबाकर आपको 12 रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पर ये नौ रस्सी आप दबाइए, नौ दबाकर आपको ये नौ रस्सी उठा लेनी है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको नौ ली थी, अब नौ के साथ छः रस्सी और जोड़ देंगे, नौ और छः आपको ये 15 रस्सी आप ले लेंगे दोस्तों। देखो इस प्रकार से लेंगे और फिर ये आपको दबा देंगे हमारी 6, 6, 12 और 18 रस्सी दबाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से ये 15 रस्सी आप लेंगे, देखो ये लॉक हो जाएगा अलग से। फिर यहाँ से आपको नौ लेना है और ये नौ रस्सी आपको वापस से उठा देना है, फिर यहाँ पे आपको नौ दबा देना है दोस्तों। ये नौ दबाकर ये 12 रस्सी आप ले लेंगे और फिर ये नौ दबा देंगे, तो ये हमारा चौथी नंबर रस्सी आ जाएगी दोस्तों। चार नंबर रस्सी आपको 5, 6 सेम डालनी है, फिर 7, 8, 9 रस्सी सेम डालनी है दोस्तों। तो यहाँ से आप ले लेंगे, ये देखिए अलग आपको डिजाइंस बनेगी हमारी, तो वो चीज़ आपको देखना है, सेम आपको डाल देना, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। इसमें सबसे आसान डिजाइन जी मैंने बताया था दोस्तों, तो वो भी आप देख लीजिए हमारे चैनल पे। चौकड़िया खाट सबसे आसान है, वैसे मैंने तिकड़िया खाट बनाया है, चौकड़िया की, 5 कड़िया की, 6 कड़िया की, 8 कड़िया की, 9 कड़िया की, 10 की और 12 की। इस प्रकार से बहुत सी डिजाइंस की मैंने चारपाइयाँ बनाई हैं, तो वो सभी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने फूलों की बनाई है, अलग अलग फूलों की, सिंपल भी बनाई है दोस्तों मैंने, वो सिर्फ आपको विजिट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और जो आपको अच्छी लगेगी चारपाई वो बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने छकड़िया खाट में और नौकरिया खाट में डिजाइन डाली है दोस्तों। वैसे मैंने सभी प्रकार की खाट बनाई, उसमें सब में डिजाइन और सिंपल सभी बनाई है, तो जो आपको अच्छी लगेगी वो चारपाई बनाइए। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे हमारे चैनल पर, रेगुलर आप बने रहेंगे तो चारपाई बनाना सीख जाएंगे। सेम मैं डाल रहा हूँ, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें तीन रस्सी आपको सेम ही डालना है,
तो यहाँ से ये हमारी सेम रस्सी हो जाएगी। देखो ये हो गई हमारी सेम रस्सी। अब आपको आगे चेंज कर देना है, ये हमारी 7 नंबर रस्सी डलेगी दोस्तों। 7 नंबर रस्सी का आपको चेंज करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, ये 9 दबाकर 9 रस्सी उठाएंगे, फिर ये दोस्तों यहाँ पे ये 9 दबाएंगे और ये 9 रस्सी आप उठा लेंगे, फिर यहाँ पे ये 9 दबाएंगे और ये 9 रस्सी आप उठा लीजिए, फिर यहाँ पे ये 3 रस्सी आप दबा दीजिए और 3 रस्सी दबाने के बाद में ये 9 रस्सी लेंगे, इसके बाद में ये 12 रस्सी आप दबा देंगे और ये 9 रस्सी ले लेंगे दोस्तों। ये देखिए, फिर यहाँ पे 3 दबाकर आपको ये 9 रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये 9 रस्सी दबाकर और आपको ये 9 रस्सी आप ले लीजिए और ये 9 दबाकर और 9 रस्सी आप उठा दीजिए। देखो ये सीक्वेंस आपका तभी सही आएगा, अगर लास्ट 7 नंबर रस्सी में ये 9 के साथ आ जाता है तो हमारा सीक्वेंस सही चलेगा दोस्तों। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको स्क्रॉल कर दीजिए इस प्रकार से, हमारे बराबर रस्सी को रखिए और अब उठा के ये डाल दीजिए इसमें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सेम रस्सी डालनी है इसमें, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, 2 रस्सी आपको सेम डालनी है। 7 नंबर हमारे डल गई, ये 8 नंबर डालेंगे और फिर 9 नंबर डालेंगे। तो यहाँ से देखो, 9 दबाई 9 उठाई, 9 दबाई 9 उठाई, बस 9 दबाई 9 उठाई करना है आपको। सिर्फ यहाँ पे फूल पे यहाँ पे आपको 3 रस्सी दबा देनी है, फिर यहाँ पे आपको 9 उठाकर ये 12 रस्सी दबा देनी है सेंटर में, फिर यहाँ पे आपको 9 उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, फिर आगे 9 उठाई और 9 दबाई करेंगे बस, और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने अलग अलग डिजाइन से आपको रस्सी के साथ साथ चारपाई बहुत सी प्रकार की बनाते रहता हूँ दोस्तों इसमें, और जो गुंडियों का हमारा फिलंग है उसमें भी आपको बताता रहता हूँ, तो वो भी आप देखिए, हमारे चैनल पे जाइए विजिट कीजिए, उसमें भी आपको बहुत सी डिजाइंस मिलेगी। जो ये फूल मैंने बनाए हैं, वो फूल एक ऐसा फूल है कोई भी चारपाई में आप बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा आपको फूल बनाना है दोस्तों। तो यहाँ से सेम आपको डालना है, इसमें 7 रस्सी का सबसे छोटा होता है हमारा 5 रस्सी का फूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर 7 रस्सी का, फिर 9 का 11 का 13 का, इस प्रकार से आप फूल बना सकते हैं। तो देखिए अलग सीक्वेंस की अलग ये डिजाइंस आपको मिलेगी, वो देखिए। तो यहाँ से हमें इंटरफेयर भी आप करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एकदम पूरा रस्सी हमारी 9 रस्सी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं रस्सी में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर की रस्सी चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ताकि अलग कलर फिर आपको डिजाइंस है वो समझ में आ जाएगी किस प्रकार से बनेगी। इसके साथ साथ आपको पगात का भी ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ से लेंगे इस प्रकार से लेंगे नीचे, यहाँ से फिर ये यहाँ से लेंगे दोस्तों। ये भी आपको अलग डिजाइंस की मैंने 10-12 प्रकार से पगात बताई हैं और माई भी 10-15 प्रकार से बताई हैं दोस्तों, चारपाई में ताना कैसे तानते हैं वो सभी मैंने बताया, तो वो आप चैनल पे जाएंगे और विजिट करेंगे तो ये सभी आपको देखने को हमारे चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि सभी रस्सी हमारी बराबर आ जाएँ दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आप चलते हैं, हम रस्सी इसमें जोड़ देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, 3 रस्सी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद देखो आगे क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 9 दबाकर ये 12 रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको दोस्तों ये 9 रस्सी आपको दबानी है और ये 9 रस्सी आपको उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको 9 दबानी है और ये आपको 9 रस्सी उठा लेनी है दोस्तों। यहाँ से देखिए आपको सिक्वेंस बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों वापस से क्या करना, हमें ये फूल बनाना है। देखिए आपकी बार मैं फूल में थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे 6 रस्सी दबा के 3 रस्सी उठा लिए, फिर यहाँ पे 6 रस्सी दबाइए और ये आपको 6 और 6 12 6 18 रस्सी आपको उठा लेंगे दोस्तों। फिर वापस से यहाँ पे 6 दबा के आपको 3 रस्सी उठानी है, फिर 6 दबा के आपको ये 9 रस्सी उठा लेने दोस्तों। देखो चैन के साथ साथ ये लहर भी आपको विशेष का ध्यान रखना है, फिर 9 दबाइए और 9 रस्सी उठा लीजिए दोस्तों। आगे सिर्फ आपको 9 दबाना है, 9 रस्सी उठा लेना है और लास्ट में 9 दबा के 12 रस्सी आपको उठाना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सेम आपको रस्सी 2 रस्सी हैं, ये सेम आपको डालना है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है यहाँ पे, ये सेम आपको डाल देना है दोस्तों। इस प्रकार से सेम आपको इसी में ही डाल देंगे, 9 दबाई 12 उठाई, फिर आपको 9 दबाई 9 उठाई, 9 दबाई 9 उठाइए, फिर आपको 6 दबाई 3 उठाइए, फिर आपको 6 दबाई और 18 उठाइए,
फिर 6 दवाई 3 उठाई और 6 दवाई 9 उठाई। इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस आपको चलेगा हमारा। और भी यदि आप हमारे चैनल पे देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको बहुत सी डिजाइंस आपको मिलेगी, चाहे उसमें नाम हिंदी इंग्लिश में, मोबाइल नंबर, ये 3-4 प्रकार से मिल जाएंगे दोस्तों। और आने वाले समय में और भी आपको डिजाइंस नाम की मिलेगी, मोबाइल नंबर की मिलेगी दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो दोस्तों बोतल में चारपाई के बारे में देखने को मिलेगा। ये एक कला है और कला हमेशा दिखाई जाती है। और वैसे सभी कला प्रेमियों को मेरा तहदिल से धन्यवाद है जो इतने सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहिए। आपका सभी का सहयोग ही कला को आगे बढ़ाता है और ये कला बरकरार रहे। तो आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे नई नई डिजाइंस आपको सिखाते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको बता देता हूँ डोकों से मुड्डा कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में सीख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। मैंने पर्टिकुलर्स बताए हैं, बहुत सी डोकों से मुड्डा बताया है, उसमें छोटा बड़ा सभी प्रकार के होता है, उसमें कितने डोकों की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो सभी मैंने बताया। ये आपको विजिट करने पर ही पता चलेगा किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसमें ताना के बारे में, मोड़ी के बारे में सभी बताए हैं दोस्तों, तो वो सभी आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 रस्सी पूरी हो गई है, और अब यहाँ से क्या करना, आपको चेंज कर देना सीक्वेंस। मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पे 9 दबाकर 9 रस्सी उठा लेंगे, फिर ये आपको 9 दबानी है और यहाँ पे ये 9 रस्सी आपको उठा लेना दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको 9 दबानी है और 9 के साथ साथ ये आपको 15 रस्सी उठा लेने दोस्तों, और फिर ये 9 रस्सी आपको कर देना है, और फिर आपको 9 उठाना है और ये 6 रस्सी दबा देना है। फिर यहाँ पे आपको 9 रस्सी उठा लेना है, फिर यहाँ पे 9 आपको दबा देनी है और ये 15 रस्सी आपको उठा लेने दोस्तों, ये देखेंगे। फिर यहाँ पे 9 दबाई और 9 रस्सी ये उठा दी। आगे सिर्फ आपको 9 दबानी है, 9 रस्सी उठानी, कोई भी इंटरफेयर आपको नहीं करना दोस्तों। ये देखिए इसी प्रकार से हम चलेंगे, ये एक अलग सीक्वेंस, अलग डिजाइंस आपको बनेगी हमारी। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप भी अलग अलग डिजाइंस, अलग अलग सीक्वेंस में बना सकें दोस्तों। तो ये सभी आपको सेम रस्सी डाल देनी दोस्तों। और भी यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो छिक्की होती है, मोरी होती है, भैंस की गलीचा होता है, डोरमेट बोलते हैं, वो सभी ये देख सकते हैं, हिंडी देख सकते हैं, ये सभी बहुत सी आपको डिजाइंस मिलेगी दोस्तों। लेकिन आपको चैनल का विजिट करना होगा, तभी आप बहुत सी डिजाइन सीख पाएंगे। उसमें आपको कुछ घरेलू चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों उसमें, और कुछ पुरानी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और इस चारपाई की बहुत सी कला आप देख पाएंगे। देखिए अलग अलग डिजाइंस में अलग अलग कला है, और वो सभी को आप देखिए, परखिए दोस्तों, और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपको नहीं समझ में आए तो अपने दोस्त आपकी हेल्प कर सके दोस्तों। तो उनको ये वीडियो है वो शेयर करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे दोस्तों। तो देखिए ये मैंने 5 रस्सी का फूल बनाया है, इससे पहले 7 रस्सी का बनाया था। आगे आगे डिजाइंस इसमें सीक्वेंस है वो चेंज होता रहेगा दोस्तों, बहुत से प्रकार के आप फूल बना सकते हैं इसमें। तो ये सभी आपके ऊपर है कि कौन सा आपको फूल अच्छा लग रहा है। यदि इसमें सिंपल आपको चारपाई बनानी है तो सिंपल बना लीजिए, इसमें 2022 की बनानी है तो 22 वाली बना लीजिए, ये फूलों की बनाना है तो फूल भी बना सकते हैं इसमें, पूरी चारपाई में आप फूल भी डाल सकते हैं दोस्तों, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे आप सीक्वेंस के साथ साथ ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये 9 रस्सी हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 9 दबाकर आपको 15 रस्सी ये उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको वापस से ये 9 आपको दबा देनी है और 9 दबाकर ये 9 रस्सी आपको उठा लेनी है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, 9 दबाकर आपको और ये आपको 9 रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको दोस्तों ये 3 रस्सी दबा देनी है और यहाँ पे 3 दबाकर ये 9 रस्सी उठा लेनी, फिर यहाँ वापस से 3 दबा दीजिए और ये 9 रस्सी आप उठाइए, और यहाँ पे वापस से 12 रस्सी आपको दबानी है और 9 रस्सी ये उठानी है दोस्तों, फिर ये आपको 3 रस्सी दबानी है और 9 रस्सी ये उठा लेनी दोस्तों। ये देखिए फिर यहाँ पे आपको 3 रस्सी दबानी है, 3 रस्सी दबाकर आपको ये 9 रस्सी ये उठा लेनी, फिर 9 दबाई और ये 9 रस्सी आपको उठा लिए। देखिए इसी प्रकार से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा हमारा लहर का भी डिजाइंस का, और ये 9 दबाकर ये 15 रस्सी आप उठा दीजिए। देखिए ये थोड़ा
और फिर से ये वापस से नौ रस्सी हम दबा देंगे दोस्तों। तो ये हमारा सीक्वेंस आप चलेगा इस प्रकार से, बहुत से आपको डिजाइंस बनाएंगे। और ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए ताकि सभी रस्सियाँ बराबर हो जाए हमारी, ये भी और ये भी इधर आ जाए दोस्तों। तो ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिए ताकि सभी रस्सियाँ हमारी हैं वो एक साथ चल सके। और यहाँ से पिंडी को उठाकर इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ साथ आपको पगात का भी विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पगात में क्या करना है आपको। तो ये पगात भी आपको डालते रहना है तभी आप सीख पाएंगे। देखो यहाँ से हमने डाल दी है और यहाँ पे ये डाल देंगे दोस्त। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तीन रस्सी इसमें सेम आपको डालना, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है दोस्तों। और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है तो ज़्यादा लूज भी नहीं रस्सी छोड़नी आपको, सिर्फ बराबर आपको रस्सी रखनी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो चैनल पे दोस्तों विजिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अवश्य बताइए ताकि जो भी गलती होगी उसको आगे सुधार सकें, आने वाले समय में आपको और बेहतरीन डिज़ाइन देख सकें हम और समझा सकें दोस्तों। क्योंकि बहुत सी आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी दोस्तों। ये सिंपल भी है, थोड़ा डिजाइन भी, दोनों चीज़ हैं। और भी आपको डिजाइन सीखना है तो और भी आप देख लीजिए, इसमें नई नई मैं डिजाइंस बताता रहता हूँ चारपाई में। आप सिर्फ चैनल पे विजिट कीजिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सी डिजाइन देख सकते हैं। आगे डिजाइंस कैसे बनेगी वो मैं आपको पार्ट 5 में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।